यहीं पे ये कलमा जो है उर्दू में देखिए ये लिखा गया है, यहाँ पे ये अंकित है, यहाँ पे मेरा जो उंगली है आप उंगली के ऊपर जस्ट ऊपर ये देख सकते हैं, यही ये कलमा है, यहाँ भी कुछ लिखा गया है उर्दू में जो है उसको कटिंग किया गया है। ये महाभारत काल के शिवलिंग हैं, इनके ऊपर महमूद गजनवी के सिपाह सलारों ने आक्रमण किया था, यह कुषाण वंश में बनवाया गया मंदिर था। शिवलिंग का अस्तित्व महाभारत काल से रहा लेकिन जब कुषाण वंश के राजाओं ने इनके ऊपर ध्यान दिया तो इनका बड़ा ही सुंदर भव्य स्वरूप तैयार किया इस मंदिर का, और उस समय हिमालय की तलहटी का सबसे समृद्धशाली शहर रहा हरदी शहर, जहां हम हैं तो यहीं से पूरा शहर का प्रमाण मिलता है। स्वागत है आपका जीजीएन एक्सेंस पर। मैं अभी मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिले के ये खजनी गांव खजनी में है, खजनी थाना अंतर्गत एक सरिया तिवारी गांव है, और सरिया तिवारी गांव में मौजूद है। और यहां पे मौजूद होने का एक कारण है, कारण आपको बताएंगे कि एक यहां पे शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, वह शिवलिंग जो है महाभारत कालीन है। और आपको पता है कि विदेशी आक्रांताओं ने जब यहाँ आया तो हाँ बहुत सारे मंदिरों को जो है तोड़ा गया, बहुत सी यहाँ की सभ्यता संस्कृति से, यहाँ की सनातन की संस्कृति से छेड़छाड़ हुई। और उसी समय की ये शिवलिंग है जिस पे कलमा जो है लिखा गया है, मुस्लिम समुदाय का कलमा होता है। अब इतनी जानकारी उसके बारे में हमें नहीं है, और उस शिवलिंग पे लिखा गया है। और आपको बता दें कि वो जो है महाभारत कालीन जो शिवलिंग है उसकी स्थापना जो है वो श्री यंत्र पे की गई है। हम चलते हैं वहाँ पे, बाबा हैं, बाबा उस पे शोध करते हैं, हमेशा स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि ये कितने वर्ष पुराना है और आखिर वो कारण क्या थी जिस कारण जो है उस पे वो कलमा जो है आज भी मौजूद है, उस पे अंकित है। हम आपको वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे और बाबा से बातचीत करेंगे। आइए थोड़ा चलते हैं ऊपर और बाबा के पास पहुंच के हम उनसे बातचीत करते हैं कि ऐसी बहुत सारी आपने मंदिर देखा, अभी ज्ञानवापी का जो है मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि उसको भी जो है तोड़कर जो है मस्जिद बनाई गई थी, ऐसी बहुत सारी हैं। ASI की टीम जो है लगातार उस पर शोध करती है, सर्वे करती हैं और रिपोर्ट आपके सामने आता है। और थोड़ा सा लेके आइएगा नज़दीक में, बाबा तो श्रृंगार कर रहे हैं अभी। और यहाँ पर दिखाइए कि यही दिखाइएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहीं पे ये कलमा जो है उर्दू में देखिए ये लिखा गया है, यहाँ पे ये अंकित है, यहाँ पे मेरा जो उंगली है आप उंगली के ऊपर जस्ट ऊपर ये देख सकते हैं, यही ये कलमा है, यहाँ भी कुछ लिखा गया है उर्दू में जो है उसको कटिंग किया गया है और कुछ लिखा गया है। अब वो क्या है ये बाबा से हम जानकारी लेंगे। बाबा इधर श्रृंगार कर रहे हैं, बाबा बातचीत कर सकते हैं जी। यहाँ पर एक शुभ नाम बाबा अपना थोड़ा सा बता दीजिए। आनंद कुमार त्रिपाठी हमारा नाम है जी। ये बाबा ये जो उर्दू में उधर लिखा गया है यहाँ पे, ये बताया जा रहा है कि ये बहुत पुराना है, जो महाभारत काल के समय का ये शिवलिंग है, फिर इस पे उर्दू में कुछ लिखा गया है। ये शिवलिंग महाभारत काल का है जी, पाँचों पांडवों का अस्तित्व यहाँ रहा है जी। यहाँ पाँच शिवलिंग हैं जी और पाँचों 3 किलोमीटर के अंदर में है। अच्छा, 5 शिवलिंग यहाँ पे हैं, 5 खजनी में ही, खजनी में ही जी, जो महाभारत काल के हैं जी, और बड़े ही प्राचीन हैं वो जी, जहाँ पाँचों पांडव रह करके अपना अज्ञातवास व्यतीत किए हैं। उन्होंने यहीं पर गोरखपुर का नाम, इसीलिए गोरखछपुर पहले नाम था जी, बाद में तमाम परिवर्तन होते गए, तमाम सरकारें आती गई बदलती गई, बाद में इनका नाम गोरखपुर कर दिया गया गोरखनाथ के नाम पर जी। यहाँ पर पांडवों ने रह करके गायों की रक्षा किए जी, जिसके कारण इस जगह का नाम जो है गोरखछपुर पड़ा था जी। गोरखनाथ मंदिर में जब आप जाएंगे जी, तो वहाँ आपको भीम सरोवर मिलेगा प्रमाण के रूप में जी, और उसी सरोवर के ठीक बगल में भीम लेटे हुए हैं, उनकी एक मूर्ति बनाई गई है जी। जब आप यहाँ से लेहड़ा जाएंगे जी, सिद्धार्थ नगर में उसका के पास पर, उसका और आनंद नगर के शायद बीच में पड़ता है वो, वहाँ द्रौपदी उस मूर्ति की पूजा की थी और यक्ष का जो संवाद हुआ है जी,
जो यक्ष का संवाद हुआ है, पांचों पांडवों की जो परीक्षा हुई है वहाँ उसी जगह पर हुई है। पांचों पांडवों का अस्तित्व इस हिमालय की तलहटी में, यहाँ कई नदियों का संगम है, जैसे उधर देखिए घाघरा सरजू जी हैं जी। उसके बाद कुआनोपरती हैं, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे तो अमरावती पड़ जाएंगी जी। बगल में आप आगे निकल जाएंगे तो मतलब घाघरा इस तरीके से इनको घेरी हुई है। ये महाभारत काल के शिवलिंग हैं। इनके ऊपर महमूद गजनवी के सिपाह सलारों ने आक्रमण किया था, या कुषाण वंश में बनवाया गया मंदिर था। शिवलिंग का अस्तित्व महाभारत काल से रहा जी। लेकिन जब कुषाण वंश के राजाओं ने इनके ऊपर ध्यान दिया तो इनका बड़ा ही सुंदर भव्य स्वरूप तैयार किया इस मंदिर का। और उस समय हिमालय की तलहटी का सबसे समृद्धशाली शहर रहा हरदी शहर, जहाँ हम हैं तो यहीं से पूरा शहर का प्रमाण मिलता है। आज भी बहुत सारे, जब यहाँ की ज़मीन की खुदाई होती है जी, तो बहुत सारी मूर्तियाँ निकलती हैं। उस समय के बहुत सारे जो हैं ये ईंटें मिलते हैं, तो जब खुदाई में मिली जी, हाँ जी, तो जब खुदाई में वो मिले जी, यहाँ तो उस समय जो है जी, थोड़ा सा लेके आइए इधर, इधर कैमरा कीजिएगा जी। इनका अस्तित्व जो है महाभारत काल से ही जो है जी है। मतलब ये जो लिखा गया ये विदेशी आक्रांताओं के द्वारा ही लिखा ये गया, ये हार करके लिखा गया है। वो लिखा गया हमारे यहाँ के, जैसे अगर एक तरीके से कहा जा कि अल्लाह जी, अल्लाह का अस्तित्व जो ओम है उसको उर्दू में अल्लाह कहते हैं, जो ओम है उसे इंग्लिश में गाड कहते हैं। मानव सभ्यता जिस परिवेश में जैसे रही, जिनका खान पान रहन सहन जैसा रहा जी, जिन आचरण से, जिस पदार्थ से, जिस भी व्यवस्था से वो ईश्वर की आराधना करते रहे, ईश्वर उनसे उस रूप में आकर के मिलते रहे जी, जी। यहाँ महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ तो यहाँ पर उन लोगों ने अल्लाह देखा जी। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये स्वयं किसी ने गुदवाया नहीं, खुदवाया नहीं है, स्वयं का स्वरूप प्रकट हो गया। अच्छा, ये मतलब किसी ने बनाया नहीं है, लिखा नहीं है, कुछ लोगों का ये कथन है जी। कुछ लोग, और यहाँ के जब जमीनों की खुदाई होती है जी, तो जब यहाँ जमीनों की खुदाई जब की जाती है तो यहाँ पर 10-10 ग्यारह ग्यारह फुट की अस्थियाँ मिलती हैं। जहाँ अभी आप खड़े थे जी, वहाँ पर 10-10 ग्यारह ग्यारह फुट की अस्थियाँ आज भी मिल वहाँ पर रखी गई हैं। गाड़ उसमें जो है गड्ढा, जब ये मंदिर की जो चारों तरफ से जब दीवार चलने लगी जी, तो उसी समय जो है जी, ये व्यवस्था उसी समय उसमें कर दिया गया था। ये एक टीला के समान था। बहुत कुछ यहाँ नुकसान किया, यहाँ पर जो है वैदिक काल की मूर्तियाँ, जैसे आकाश देवता की, अग्निदेव की, इन भगवान को देख रहे हैं जी। ये श्री यंत्र, ये श्री यंत्र जिसमें स्थापित है जी, हवन कुंड देख रहे हैं जी। उसमें अभी एक शिवलिंग ला करके रख दें तो स्वरूप कैसा बन जाएगा, यज्ञ स्वरूप हो जाएंगे वो जी। वेदों में यज्ञों का प्रमाण रहा, उस समय यज्ञ होते थे, तो अगर इनको देखा जा तो श्री यंत्र पर है, श्री यंत्र पर यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ का जो स्वरूप होता है जी, जी। उस स्वरूप में है। आँख बनाइए। अच्छा, मतलब ये जो लिखा गया है इससे हमें सनातन पर, धर्म को, हाँ, मतलब इससे कोई आपत्ति या हमें? सनातन धर्म जो है ये पूरे संसार का धर्म है जी। जो सनातन है ये पूरे संसार का धर्म है। अभी आप विदेशों में जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको शिवलिंग का अस्तित्व मिल जाएगा। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ इनका अस्तित्व मिल जाएगा, क्योंकि पहले मूर्ति की पूजा जो है शिवलिंग के रूप में ही जो है। शिवलिंग का अर्थ लोग दूसरा लगाते हैं, लिंग का अर्थ होता है जिसमें सकल पूरा ब्रह्मांड लीन हो, समाहित हो, जिसमें पूरा संसार समाहित हो।
जो इनके नीचे अर्घा होता है उसको लोग योनि का नाम देते हैं, वो हस्तकमल है, ये हाथ है ना जी, ऐसे रख दिया जा जी, तो इसको हस्तकमल कहेंगे। हस्तकमल के ऊपर जो है तो शिवलिंग है, शक्ति ने उनको संभाल रखा है। तो ये जो है ये यज्ञ स्वरूप है, श्री यंत्र पर है, ये विश्व के अनूठे हैं। इनके ऊपर जो कलमा लिखा है ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब ऐसा सुनने को मिला है कि ये जो है विश्व की सबसे पुरानी जो है ये शिवलिंग है जी। अगर अस्तित्व को देखा जाए जी, जितने भी हमारे यहाँ के सोमनाथ के मंदिर रहे, चाहे हमारे यहाँ के काशी विश्वनाथ के रहे, आक्रमणकारियों ने इन्हीं को तो टारगेट बनाया, इन लोगों को ध्वस्त कर दिया, इनको खंडित कर दिया। बाद में भक्तों ने, शंकराचार्य लोगों ने, जो हमारे यहाँ के बड़े विद्वान रहे, जिन लोगों ने, उन लोगों ने उनको दोबारा स्थापित करवाया, लेकिन ये बचे रहे जी। इनके ऊपर जो ये अर्घा लगा है बाद में लगवाया गया है, इनके ऊपर जो अर्घा था वो इसी पत्थर का जी, और ये इस शिवलिंग का स्वरूप इतने में था। तो अर्घा का उन लोगों ने जो है अस्तित्व खत्म कर दिया जी। बाद में इस चीज़ को लगवाया गया, ये बाद में लगवाया, हाँ, बाद में उसको जब उन्होंने मिटा दिया उस चीज़, हाँ उस चीज़ को मिटा दिया। यहाँ पे मतलब ये जब से आप लोग देख रहे हैं ये यहीं पे शिवलिंग है, यहीं पर ये शिवलिंग है। इनका अस्तित्व महाभारत काल से रहा, पांचों महाभारत का पूरा युद्ध जी जब हुआ है तो जी, युद्ध होने के पहले जी भगवान कृष्ण ने, स्वयं भगवान कृष्ण भी इस स्थान पर आकर के इनकी आराधना किए हैं। यहाँ बेनी माधव नाम से एक स्थान है जी, इसको हम लोग यहाँ पर बेनी माधव कहते हैं, अच्छा बेणु माधव जी जी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का हमेशा आना जाना रहा, बिन पग चल ही सुन ही बिनु काना, वो परमात्मा है, उनके लिए एक पैर अगर धरती पर है तो दूसरा उनका जो है चंद्रमा पर भी पड़ सकता है, उनके लिए तो कोई बहुत कठिन बात है नहीं। तो इसका, इनका जो अस्तित्व है ये महाभारत काल से है, और महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने कहा कि आप पहले काल को जीत लो जी, क्योंकि जो युद्ध होने वाला है उसको सामान्य दृष्टि से मत देखो अर्जुन, कि तुम इसको बहुत आसानी से इस युद्ध को जीत लोगे, क्योंकि इसमें रथी हैं और महारथी हैं, इसमें जो है सभी वरदानियों का युद्ध होने वाला है जी। जो लोग वरदान प्राप्त कर चुके हैं उन लोगों का युद्ध है, तो ऐसे में अगर काल पर विजय प्राप्त कर लोगे तभी जो है, तो पांचों पांडवों ने इनका आराधना किया अपना अपना अलग अलग जगह पर शिवलिंग बना करके जी जी जी। ये पांचों शिवलिंग जो आपको यहाँ पर मिलेंगे जी, दो तो स्टेट में हैं, राजघराने में चले गए, दो यहाँ हैं, और एक जब हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी जी, तो एक भरोहिया है वहाँ पर है। अग्निदेव की मूर्ति, सूर्य देव की मूर्ति, आकाश देवता की मूर्ति, तमाम अप्सराओं यक्षिणियों की मूर्ति, 64 योगिनियों की मूर्ति, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। ये जो है महाभारत काल की आप देख सकते हैं ये शिवलिंग है, और जिसपे जो है फिर से एक बार मैं चाहूँगा थोड़ा सा लेके आइए और यहाँ पे दिखाइए कि वो कलमा जो है लिखा गया है। बाबा ये कलमा क्या लिखा हुआ है ये नहीं बता पाए ना, मैं पूछ पाया कलमा, हाँ कलमा तो बताए हैं अभी आपको कि ला इलाहा इल्लल्लाह जी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही चीज़ इस पे लिखा गया। उनका जो मंत्र होता है जिसको वो अपनी भाषा में उसको कलमा बोलते हैं जी, हम अपने अपनी भाषा में अपने मंत्रों को मंत्र कहते हैं जी, जी, जी। लेकिन अगर उनकी अपनी भाषा में उनके कलमा को अगर कहें तो मंत्र ही कहेंगे जी, बिल्कुल मंत्र ही है, मंत्र ही है वो उनका, अपनी भाषा में कहें तो मंत्र कहेंगे, उनकी भाषा में अगर कहें तो कलमा है जी। हम बिहार से चलकर यूपी में आए थे इसी चीज़ को जानने के लिए और आप सबों तक ये चीज़ पहुँचाने के लिए कि हाँ कैसे जो है विदेशी जो आक्रांता थे आए तो हमारे यहाँ तोड़फोड़ किए, हमारे जो है पहचान से हमारी संस्कृति से कैसे छेड़खानी हुई, जिसका सबूत जो है यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अच्छा बाबा यहाँ कोई सरकारी जो है यहाँ पे कुछ ये होता है इसके लिए सरकार की तरफ से, द्वारा सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर सहयोग नहीं है जी, कोई अनुदान नहीं है यहाँ, जो भी है जी गांव के लोगों के द्वारा है, और हाँ गांव के लोगों के द्वारा है। ये जो भी प्रांगण बनाया गया यहाँ पे, जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, लोग देख रहा था मैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे थे
भोजन वगैरह भी बन रहा था, वो सारे गांव के सहयोग से नहीं? हाँ, वो गांव के सहयोग से होता है, जो यहाँ भक्त आते हैं जिनकी श्रद्धा होती है। अब जैसे देखिए वहाँ चारों तरफ पत्थर लगवा लिया गया है, बस वहीं ओसारी का काम बाकी है। जी जी। तो जब उसका काम शुरू होगा तो अपने गांव के लोगों से 2-4-10 लोगों से मिल लिया जाएगा जी, भाई देखिए आप लोग कर दीजिए इसकी व्यवस्था। सरकार की तरफ हम लोग कई बार मतलब इस बात को रखे, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी आए जी, राजनाथ सिंह भी यहाँ आए हैं, तो हम गांव वाले अपना विचार रखे कि आप इस स्थान को जो है सुरक्षित कर दीजिए। अभी कुछ दिन पहले पुरातत्व विभाग के लोग आए हुए थे जी, तो जो मूर्तियां हमारे यहाँ अभी हैं उनको ले जाने के लिए जी जी, तो उनके पास इतना जो है कि मतलब मूर्ति उठा करके मुर्दा घर में रख देंगे। संग्रहालय का मतलब होता है कि जो मूर्तियां मिलती हैं जिस मूर्ति का भोग न लगे जी जी, जिस मूर्ति की पूजा न हो जी, अगर इनकी पूजा यहाँ हो रही है और इनको हटा करके ले जाकर संग्रहालय में रख देंगे तो मुर्दा रखेंगे आप, उसको मुर्दा ही बना देंगे। मतलब इसको ले जाने के लिए आए थे पुरातत्व विभाग के लोग? तो अग्निदेव की, आकाश देवता की तमाम ऐसी मूर्तियां हमारे यहाँ अभी भी हैं, सैकड़ों मूर्तियां लखनऊ संग्रहालय में रखी गई हैं जी। चलिए, तो ये मैं मौजूद था गोरखपुर जिले के खजनी थाना अंतर्गत सरिया तिवारी गाँव में, और आपको एक शिवलिंग दिखाने का प्रयास किया माँ, जो महाभारत कालीन था और जिसपे जो है वो कलमा जो है लिख दिया गया है। बाकी आपको ये न्यूज़ कैसा लगा इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जवाब से हमें बताइएगा। धन्यवाद।